ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस महीने जून की पहले कार्यक्रम में एक नई जिंदगी के। और जून का महीना देखते देखते साल ऑलमोस्ट आधा हो गया है। वी आर इनटू द सिक्स्थ मंथ ऑफ द ईयर। दोस्तों इस महीने हम एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं, इंक्लूजन, समावेश। इसका मतलब है लोगों को एक साथ लेना, एक साथ जोड़ना। आज जब दुनिया में हर जगह से हम खबरें सुन रहे हैं कि रिश्ते टूट रहे हैं, लोग अलग हो रहे हैं, हमारे लिए ये टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है भाई और बहनों आपने इस एक्सक्लूजन को, अलग विभिन्न किस्म के व्यवहार को जहाँ पर लोगों को डिस्क्रिमिनेट करा जाता है, हो सकता है आपने पर्सनली महसूस कराओ, हो सकता है घरों में बच्चों ने महसूस कराओ, हो सकता है वर्क प्लेस पे लोगों ने महसूस करा हो सकता है कम्युनिटीज ने महसूस करा हो। हम चाहते हैं कि हम प्रभु की दृष्टिकोण से देखें इंक्लूजन का मतलब क्या होता है। आइए, समय होगा कि हम रेबेका से मिलें और रेबेका हमें बताएंगी कि इस महीने इस थीम को लेकर और इस प्रोग्राम में क्या क्या हमें देखने को मिलेगा, क्या क्या हमें सीखने को मिलेगा। क्या आपने कभी एक्सक्लूडेड महसूस किया है? एक बड़े से पजल में एक छोटे से और पीस की तरह। एक्सक्लूजन हम अपने वर्कप्लेस, फैमिलीज, प्लेग्राउंड्स, स्कूल्स या कभी कभी अपने चर्चेस में भी एक्सपीरियंस करते हैं और ये हमें बहुत हर्ट करता है। दोस्तों हम एक दूसरे को इस तरह चोट ना पहुंचाएं, इसलिए जून के महीने में हम मिलकर एक नई जिंदगी पर इंक्लूजन यानी समावेश के बारे में सीखेंगे। हम जानेंगे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जिससे हम हमारे आसपास के लोगों को इंक्लूड कर सकें। 10 साल की उम्र से मुझ में उलझन पैदा होने लगी थी। मैं अक्सर अपने आप से पूछा करती थी, मैं क्यों लड़कों के साथ घुल मिल नहीं पाती हूँ, ये क्या है, और मैं क्यों उनके जैसे दौड़ नहीं पाती हूँ, क्रिकेट नहीं खेल पाती हूँ या कोई और खेल नहीं खेल पाती हूँ। अगर मैं लड़कियों के पास जाती तो लड़के मजाक उड़ाकर कहते कि मैं लड़कियों के पास जाती हूँ। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो लोगों के घरों में काम करने लगी, झाड़ू पोछा बर्तन, तो मुझे बहुत से ताने मिलते थे। लोग अजीब से देखते थे, भेदभाव करते थे, लेकिन हमारी मजबूरी थी कि हमें काम करना पड़ता था क्योंकि घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, हालात अच्छे नहीं थे। लेकिन मैं सोचती थी कि काश हम भी अच्छे से रह पाते। परमेश्वर के जीवित वचन बाइबल में हम मरकुस की किताब उसके 12वें अध्याय 30 और 31 वचन में पढ़ते हैं कि हमें प्रभु को अपने सारे तन, मन और समझ के साथ प्रेम करना है और अपने पड़ोसी को भी अपने समान प्रेम करना है। दोस्तों यही तो है फाउंडेशन इंक्लूजन या समावेश की। क्या आज आप अपने जीवन में एक्सक्लूडेड फील कर रहे हैं? और अगर आप प्रार्थना चाहते हैं तो आप CBN प्रेयर लाइन में हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। हमारा नंबर है 9910401010। दोस्तों जून के महीने में परमेश्वर का वचन हम सब के लिए है, उन दर्शकों के लिए भी जो डिसेबिलिटीज के साथ हैं। इसलिए इस महीने आप देखेंगे परमेश्वर का संदेश साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन के साथ। इस समाज में रहते हुए हमें जिन लोगों को बीमारी के कारण, मुश्किल के कारण, जात पात के कारण और कई कारणों के कारण हम उन्हें बेदखल कर देते हैं। दोस्तों हमारी चर्च कॉयर्स में अलग अलग प्रांत, भाषा, रंग रूप और जेंडर के लोग मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। मिलकर एक सुर और एक आवाज में होकर ये परमेश्वर के गुण गाते हैं। Isn't that a wonderful example of inclusion? जून के महीने में कुछ स्पेशल कॉयर्स हमारे साथ जुड़ेंगी, अपने गीतों से ये हमें आशीषित करेंगी और साथ ही हम इनसे सीखेंगे कि हम कैसे इंक्लूसिव बन सकते हैं। दोस्तों क्राइस्ट लाइक इंक्लूजन करना काफी चैलेंजिंग है,
लेकिन असंभव नहीं है। आइए आप और हम मिलकर परमेश्वर की मदद से एक ऐसा समाज बनाएं, जहां हम भी एक दूसरे के टैलेंट्स को मौका दें। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, लेट अस ऑल बी मोर इंक्लूसिव एंड एक्सेप्टिंग ऑफ अदर्स अराउंड अस हु मे बी डिफरेंट फ्रॉम अस। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। थैंक यू रेबेका, थैंक यू सो मच फॉर not only informing us but giving us a glimpse of the entire month. और इस दृष्टिकोण से अब हमें मालूम है कि आने वाले एपिसोड्स में क्या क्या देखने को मिलेगा। और दोस्तों, आपके लिए भी एक बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी रहेगी जून के माह में हमारे साथ इस पर्टिकुलर टॉपिक पर। तो दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा पूरे महीने। सुबह 6:30 बजे हम लोग इस कार्यक्रम में मिलेंगे। अब समय है एक ब्रेक का, और इस ब्रेक के बाद हम लौटेंगे एक बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ, जो मुझे और आपको मोटिवेट करेगा कि हम कैसे इंक्लूजन में बने रहें, ना कि भेदभाव में। चर्च क्वायर्स इन कॉन्सर्ट के जरिए विशेष उपहार आपके प्रियजनों के लिए, उनके जन्मदिन, वर्षगांठ या फिर यादगार जैसे भावनात्मक अवसर पर गीत के गिफ्ट भेज सकते हैं। नेशनल टीवी पर प्रसारित होने वाले एक नई जिंदगी कार्यक्रम पर हम आपके प्रियजनों के लिए आपके संदेश के साथ ऑन एयर गीत का गिफ्ट देंगे। इन यादगार लम्हों को आप CBN के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जब चाहे देख सकते हैं और दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ये गीत यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो, एक बड़ा खूबसूरत गाना है जो हमारे पेरेंट्स को बहुत पसंद था, लेट मिस्टर एलन लूथर और लेट मिसेस कोरिन लूथर। तो दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू आर बिलवड एंड डियर पेरेंट्स। यस, एंड वी आर सो ग्रेटफुल टू गॉड फॉर हिज फेथफुलनेस टू देम इन देयर लाइफ। सॉन्ग गिफ्ट करने के लिए सिंपल 3 स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप 1, www.cbnindia.org पर। स्टेप 2, CBN ऑफरिंग्स पर क्लिक करके। और स्टेप 3, क्लिक ऑन गिफ्ट अ सॉन्ग डेडिकेशन। वेलकम बैक दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं इंक्लूशन के बारे में। यही है हमारी जून महीने की थीम, लोगों को शामिल करने के बारे में जिन्हें आज तक समाज कमज़ोर, असहाय या भिन्न समझता आ रहा है। समय आ गया है कि हम इस नज़रिए को बदलें और एक बदलाव को लाने की आज ज़रूरत है दोस्तों। और दोस्तों, जब इस विषय पर हम बात आज करेंगे तो देखते हैं कि परमेश्वर हमारे सामने भेदभाव नहीं बल्कि इंक्लूजन लाता है। वो परमेश्वर हमें एक साथ जोड़ता है। दोस्तों, अब मिलते हैं राजेंद्र फेलो से, जो कि इंक्लूजन, समावेश की बहुत बड़ी विजय कहानी है। पैदा हुए थे बिना हाथ के, और चाहते तो वो उसी सोच समझ से, उसी घटी से, उसी समझौते की लाइफ को जी सकते थे, मगर उन्होंने इंक्लूजन पाया, लोगों की सहमति पाई और लोगों का साथ पाया, और उस वजह से वो एक विजयी पद पर भी हैं, वो प्रिंसिपल हैं। और देखते हैं इस कहानी से मुझे और आपको क्या प्रोत्साहन मिलता है। पैसिफिक गेम्स 1982 जो हांगकांग में हुए थे, वहाँ पर 36 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। 36 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन में पहुंचकर मैंने अपने आप में ईश्वर को बहुत धन्यवाद दिया कि मैं भी उन 36 कंट्रीज के जो पूरा कंटिजेंट्स हैं उनमें भी एक मेंबर हूं। मैं महसूस करता हूं कि किसी भी चीज में अगर ईश्वर कहीं कमी करता है तो कहीं बहुत ज्यादा उस चीज को आपको देता भी है। मैं
बचपन में जब पैदा हुआ तो मेरा एक हाथ नहीं था। मेरे पेरेंट्स के जॉब का नेचर इस तरीके का था कि वो कैंप्स में उनको जाना होता था और एक जगह शहर में स्टेबल नहीं रह पाते थे, तो इस तरीके से मेरा बचपन उन कैंप्स में जहाँ पर मेरे पेरेंट्स काम करते थे वहाँ पर विलेजेस में गुजरा। इस वजह से मैं किसी भी स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जा सका और घर पर पेरेंट्स ही हमें जो बेसिक एजुकेशन है वो देते थे। क्लास सिक्स से मेरी स्कूलिंग शुरू हुई और मेरा विश्वास प्रभु में बहुत था और ये एक मेरे लिए ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज कहिए कि सारे कामों को करने के लिए बोर्डिंग हाउस में रहना पड़ा। वहाँ हर तरीके के एक्सपीरियंसेस थे और ये पेरेंट्स का भी मेरा विश्वास था कि मैं अकेले रहकर भी बहुत कुछ कर सकूँगा। मेरे अंदर जैसे स्पोर्ट्स एंड गेम्स का एक एप्टीट्यूड था उसको लेकर मैंने अपने इंटरमीडिएट लेवल पे कैप्टनशिप ली और उसके बाद कॉलेज में जब गया मैं सेंट जॉन्स कॉलेज में तो वहाँ पर मुझे कैप्टनसी से भी ऊपर की एक अवार्ड होता है कॉलेज कलर, वो अवार्ड भी मुझे मिला। खेल में अच्छा होने के कारण चाहे वो मैं कॉलेज का लेक्चरर क्यों ना था फिर भी लोगों ने मुझे इस चीज़ के लिए पॉइंट आउट किया कि इनको आगे और बढ़ाना है और मेरा नाम जो है वो कॉलेज की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फॉरवर्ड किया। वहाँ पर भी मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं एक चीज़ बताना मांगता हूँ कि मेरा मेजर गेम फुटबॉल था पर सेंट जॉन्स कॉलेज में मुझे एक राइट हैंड में इंजरी हुई। मैं इंडोर गेम्स में पार्टिसिपेट करने लगा, टेबल टेनिस गेम को मैंने ऑप्ट किया और टेबल टेनिस खेलने लगा। कि डिसेबिलिटी इज़ नथिंग, अगर आपके अंदर किसी चीज़ को करने का मादा है और किसी काम को करने की इच्छा है तो वो इच्छा रखते हुए आप उस काम को पूरा कर सकते हैं। ये सब अचीवमेंट्स हैं जिसके लिए मैं ईश्वर का हर समय बहुत ज़्यादा धन्यवादित रहना मांगता हूँ और उसका धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे एक नॉर्मल एबल बॉडीड पर्सन से ज़्यादा काम करने का मौका दिया। और 2012 में मुझे कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया। ये भी मेरे लिए एक बड़ा अचीवमेंट है कि जिस काम को मैंने शुरू किया उसको बिगनिंग से लेकर उसके टॉप पोस्ट तक ईश्वर मुझे लेके गया। वो व्यवस्था विवरण 31 अध्याय उसकी 6 आयत जहाँ पर उसने साफ लिखा हुआ है मैं यहोवा तेरा परमेश्वर ना तुझे छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। ये एक ऐसा प्रॉमिस है जिसके ऊपर मैंने हमेशा विश्वास किया और इस विश्वास को अपने दिमाग में और दिल में रखते हुए मैं हमेशा आगे बढ़ता रहा। मुझे ये कहने में कोई हिच नहीं है, कोई हिचकिचाहट नहीं है कि मेरी योग्यता से ज़्यादा बढ़कर ईश्वर ने मुझे दिया और मेरे मांगने से ज़्यादा उसने मुझे हर तरीके से आसूदा किया। राजेंद्र जी, वी थैंक गॉड फॉर योर लाइफ। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उनकी विश्वास योग्यता के लिए, आपके जीवन में उनकी मौजूदगी, उनकी मदद। और किस तरह आपने बिल्कुल सही कहा कि यू हैव डन मच मोर देन एबल बॉडीड पीपल। परमेश्वर आपके जीवन को और आशीषित करे, यही हमारी प्रार्थना है। और मैंने एक चीज़ देखी इनकी कहानी में, एक बहुत अहम चीज़ थी कि जो लोग उनके चारों तरफ थे, उनके पेरेंट्स थे और इवन इनके कॉलेज में, उनको कितना प्रोत्साहन दिया गया, वो लोग साथ खड़े रहे और उसकी वजह से वो उस मुकाम पे पहुंच सके जो मुकाम पे है। दोस्तों, ये कहना बिल्कुल सच होगा कि जब लोग आपके चारों तरफ आते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपके चारों तरफ बने रहते हैं,
एक तरीके का जैसे इंक्लूजन जो थीम है हमारा, समावेश साथ बना रहता है, तो एक अनकहा बल आता है, एक सामर्थ आती है वो सब करने की जिसके लिए मैं अकेले योग्य नहीं हूँ। प्रभु यीशु मसीह की ज़िंदगी में हम देखते हैं, उनकी लाइफ के बारे में जब देखते हैं वचन से, तो ये सत्य है। प्रभु यीशु मसीह मौजूद थे एक शादी में, और उस शादी में सिर्फ गए ही नहीं थे वो इंजॉय करने अपने दोस्तों के साथ, वहाँ पर हमें एक यीशु मसीह का एक ऐसा पहलू दिखता है जो जहाँ पर वो दोस्तों के साथ उठते हैं बैठते हैं, हंस रहे हैं और उनके साथ इंजॉयमेंट कर रहे हैं, बल्कि उस शादी में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी से उस घराने को बचाते हैं, उनकी वैल्यू ऐड करते हैं। जब उनकी मदरा ख़त्म हो रही होती है तो अब बड़े आश्चर्य तरीके से वो एक उसमें एक अनाउंसमेंट लाते हैं जो कि और भी अच्छे क्वालिटी की मदरा होती है, ताकि वो शादी में इंजॉयमेंट ख़त्म ना हो बल्कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यू बढ़े। और ये जो साथ देने वाली बात है, हम प्रभु यीशु मसीह की ज़िंदगी से देखते हैं, उनके बारे में जब वचन में लिखा है कि वो जहाँ जहाँ पे जाते थे तो लोगों का साथ देते थे, चाहे खुशी हो या किसी का दुख दर्दी हो या किसी का बहुत ही बुरा वक्त आया हुआ। हमने देखा कि वो प्रभु यीशु मसीह काना में एक वेडिंग में गए हैं, विवाह में गए हैं, और वहाँ पर दाखरस ख़त्म हो गई और उन्होंने बड़े आश्चर्य तरीके से उसको वापस लेकर आए, बल्कि अच्छे क्वालिटी के लेकर आए। तो वो दोस्तों के साथ हंसी मजाक ही नहीं कर रहे थे, बल्कि ही वॉज एडिंग वैल्यू टू द होल सिचुएशन, एंड खासतौर से उस फैमिली की बेइज्जती से बचाया उन्होंने। प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं सामरिया में जब जाते हैं तो दिन के टाइम में वो एक पर्टिकुलर वेल पे रुकते हैं, जानकर कि एक महिला आएगी उस कुएं पर पानी लेने, क्योंकि दिन का कोई समय नहीं होता है पानी लेने का, मगर उन्हें मालूम था एक महिला आएगी, और वो महिला अकेली थी। हो सकता था कि उसका नाम बड़ा बदचलन तरीके से लिया जाता होगा और लोग उससे घृणा करते होंगे, मगर यीशु मसीह उसके लिए मौजूद थे, और यीशु मसीह उसको अपने राज्य के बारे में बताते हैं, और शाम तक ऐसा हो जाता है कि वो घोषणा करने वाली बहुत बड़ी इवेंजलिस्ट बन चुकी होती है अपनी टाउन में। और तीसरा वाक्य देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर। एक चोर, एक मामूली चोर प्रभु में विश्वास करता है और वो उसी दिन प्रभु के राज्य में शामिल हो जाता है। आपने देखा इन तीनों वाक्यों में, चाहे खुशी की एक सिचुएशन हो या किसी के अकेलेपन की सिचुएशन हो या किसी एक ऐसे की सिचुएशन हो जिसका आगे फ्यूचर बस खत्म होने वाला है, हर जगह प्रभु यीशु मसीह मौजूद थे, हर जगह वो इंक्लूजन कर रहे थे लोगों का, हर जगह उनका समावेश था, हर जगह लोगों को जोड़ के रखा था। पौलुस इसके बारे में बोलते हैं 2 कुरिन्थियों 5:19 में, परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। बहुत सरलता से वचन में पौलुस लिखता है कि जो चीज हमारी दोष थी, जो चीज की वजह से हमें डिस्क्वालिफाई कर सकते थे प्रभु उनके सामने आने के लिए, प्रभु ने उसको नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि क्रूस पर उन्होंने वो काम किया जो हमारे लिए होना था क्रूस पर जाकर, और उस नजरअंदाज करने की वजह से हमें इंक्लूड कर लिया और हमें समावेश करके हमें प्रभु परमेश्वर के सामने सौंपा, और अब हमसे उपेक्षा रखते हैं कि हम भी वही काम दूसरों के लिए करें, ताकि जो कि प्रभु के दूसरे कमांड में है, लव योर नेबर। इसका मतलब यह है दोस्तों कि आज अगर आप एक्सक्लूडेड फील कर रहे हैं, भेदभाव के आपको ऐसा लगता है भेदभाव हो रहा है आपके साथ, तो परमेश्वर आपको इंक्लूड कर रहा है, परमेश्वर आपको अपने पास रख रहा है, और यही चीज आपसे प्रभु उपेक्षा रखता है दूसरों के प्रति करें। तो आप लोग देर ना करें, अगर ऐसा लगता है आप प्रभु के पास आए, प्रार्थनाओं में आए, वो आपको जरूर से अपनाए। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि आज आप अपने परिवार में, अपने वर्क प्लेस में या समाज में, अपने नेबरहुड में शायद आप एक्सक्लूडेड फील कर रहे हैं। शायद आपको लगता है कि आपके जीवन की कोई वैल्यू नहीं है, लोग आपको शायद पसंद नहीं करते, आपको इन्वॉल्व नहीं करते। दोस्तों, जैसे कि मानव ने आज हमें बताया कि प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं, ही इंक्लूड्स अस, गॉड इंक्लूड्स अस इन हिज फैमिली। तो आइए हम मिलकर परमेश्वर के पास आएँ, जीवित परमेश्वर के पास आएँ और प्रार्थना करें। जो भी आपके चैलेंजेस हैं, जो आप फेस कर रहे हैं, आइए हम परमेश्वर के पास लेकर के आएँ। CBN प्रेयर लाइन में आप हमें अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। दोस्तों, अब समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तब हम प्रार्थना करेंगे, तो कहीं मत जाइएगा। वी विल बी राइट बैक।
एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च कॉयर्स एंड कॉन्सर्ट के जरिए हमने क्रिश्चियन हिम्स और सदाबहार गीतों को रिकॉर्ड और पेश किया। इस पहल में आप सबका सहयोग और प्यार मिला, जिसके लिए हम आप सबके आभारी हैं। और इस बार चर्च कॉयर्स एंड कॉन्सर्ट में पहली बार हम ला रहे हैं सेंट माइकल्स चर्च सुकेत कोटा से। आपकी चर्च कॉयर के लिए भी हम लाए हैं एक सुनहरा अवसर। अगर आपकी कॉयर भी जोश और जज्बे से भरी है तो 9910401010 या www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क करिए। शायद जल्द ही आपकी कॉयर नेशनल टीवी पर हो। वेलकम बैक दोस्तों। जून के इस महीने में हम इंक्लूजन थीम लेकर आए हैं और इस पूरे महीने हम इंक्लूजन यानी कि समावेश के बारे में बात करेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन इंक्लूजन यानी समावेश के बारे में क्या बताता है। और दोस्तों अब वक्त है प्रार्थना का और इस थीम पे चलते हुए हम प्रभु के सामने आ सकते हैं, अपनी गुहार लगा सकते हैं, अपनी मांग रख सकते हैं इंक्लूजन के लिए। हो सकता है कि आज आपने अपने साथ भेदभाव देखा हो, आपने वर्क प्लेस में, स्कूल्स में, इवन घर में भी देखा हो और इस वजह से आपने काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस करा हो। तो ये समय होगा कि हम प्रभु के सामने आए, अपनी पुकार को रखें और ये जानें कि प्रभु हमें इंक्लूड करता है, प्रभु हमें अपनाता है। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं आपने अपने हृदय को वचन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़े जाने की द्वारा और तीसरे दिन जी उठने के द्वारा दिखाया है, जो बिल्कुल तरीके प्यार से और बहुत सरलता से हमें दिखाता है कि आपने हम सब से प्रेम रखा है, आपने संसार से इतना प्रेम रखा है कि आपने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया। मालिक हम प्रार्थना करते हैं कि हमें उस संसार में हमारी जब गिनती होती है तो हमें ये मालूम हो, ये सेंसिटिविटी हो कि आप हमसे प्रेम करते हैं। इस समय हमारे बहुत सारे दोस्त जो इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं भेदभाव, एक्सक्लूजन को महसूस किया करा होगा या अभी भी महसूस कर रहे होंगे। हो सकता है वो स्कूल्स में हो, कॉलेजेस में, घर में, वर्क प्लेस में या अलग अलग जगहों पर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उनके जो मन का दर्द है जो आप समझते हैं, उस दर्द पर अपने प्रेम का मलहम लगाएं मालिक। और उनकी जो समस्याएँ हैं या अकेलापन है प्रभु जी, वो जान सकें कि आप उनके साथ हैं, ना कि वो अकेले खड़े होकर लड़ाई लड़ रहे हैं मालिक। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, ऐसी सारी प्रार्थनाओं को आप सुने और उनको अपनाएं। और भाई बहन जो लोग प्रार्थना इस समय जुड़ रहे हैं, उनकी प्रार्थनाएं जब वो आप सुनते हैं तो उनको भी लगे कि उनकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। ये सारी प्रार्थनाएं हम करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। दोस्तों ये जानिए कि आपकी जो प्रार्थना है प्रभु जरूर सुनता है और उसका जवाब भी देता है, तो प्रभु पर नजरें बनाए रखें। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारी नज़रें हमेशा परमेश्वर की ओर लगी रहें क्योंकि वो हमारा जीवित प्रेमी पिता है। आइए देखें आज के लिए प्रेयर टिप। दोस्तों आज के प्रेयर टिप में हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं कि जब भी आप प्रार्थना करें, आप परमेश्वर से मदद मांगें, मदद मांगें कि आप दूसरों को उसी नज़रिए से देख सकें जिस तरह परमेश्वर उन्हें देखते हैं, दूसरों को आप उसी तरह प्यार कर सकें जैसे परमेश्वर उन्हें करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि आज प्रभु का वचन हमसे और आपसे क्या बोलता है, खासतौर से आज के टॉपिक को लेकर।
कितना अच्छा वचन है ना दोस्तों, जो कहता है क्राइस्ट इज ऑल एंड इन ऑल। जी हाँ, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब हम उनकी संतान बन जाते हैं, तो हम इस बात को समझ पाते हैं। परमेश्वर भेदभाव नहीं करते, इंसान भेदभाव करता है, परमेश्वर कभी भेदभाव नहीं करते। हम सब, चाहे हम कोई भी हों, चाहे गरीब हों, अमीर हों, चाहे स्त्री हों, चाहे पुरुष हों, हम कोई भी क्यों ना हो, किसी भी रंग के क्यों ना हो, किसी भी जाति के हम क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह में हम सब एक हैं। मैं उम्मीद करता हूँ भाई और बहनों, आज आपने वो इनकरेजमेंट पाया होगा, वो इंस्पिरेशन पाया होगा प्रभु के वचन से, इन कहानियों से, कि आप भी लोगों को सम्मिलित कर सकें और आप खुद भी ये पाएं कि आप प्रभु में हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें जोड़ना है, हमें तोड़ना नहीं है, और एक इंक्लूसिव एटीट्यूड से हम जोड़ पाएंगे जैसे परमेश्वर हमारे साथ करते हैं। दोस्तों, इसी के साथ समय है कि हम आपसे इजाज़त लें, और जाने से पहले आज हम सुनेंगे एक टाइमलेस ब्यूटीफुल सॉन्ग, ओल्ड रगेड क्रॉस, जिसे जॉर्ज बर्नर्ड ने 1912 में लिखा था। ये सॉन्ग हमें याद दिलाता है प्रभु के क्रूस के बलिदान को, जो बिना किसी भेदभाव के पूरी दुनिया के लिए परमेश्वर ने किया। तो आइए, मेथडिस्ट इंग्लिश चर्च कानपुर की कॉयर द्वारा गाया गया ये खूबसूरत गीत हम सुने और इससे इंकरेजमेंट पाए। और दोस्तों, अब हमें आप इजाजत दें, हम आपसे कल सुबह 6:30 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।